गौर फार्मिंग यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फेरस सल्फेट के बारे में। फेरस सल्फेट आपकी फसलों के लिए क्यों उपयोगी है, इस बात को पूरा वीडियो में हम कवर करेंगे। और फेरस सल्फेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट कवर अप किए हैं, जिसे हम वीडियो में आगे आप सभी को बताएंगे और आपको ये पता चलेगा कि फेरस सल्फेट हमारी फसलों के लिए क्यों उपयोगी है। अगर उन पॉइंटों की बात की जाए तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि फेरस सल्फेट होता क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि फेरस सल्फेट कितने प्रकार के होते हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि फेरस सल्फेट के क्या क्या कमी के क्या कारण है, मतलब आपकी फसलों में ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसके वजह से आपकी फसलों में फेरस सल्फेट की कमी आ सकती है। इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है, इसमें से फेरस सल्फेट की कमी को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, अगर आपकी फसलों में फेरस सल्फेट की कमी है तो आप उसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, इसमें हम ये जानेंगे कि फेरस सल्फेट का उपयोग करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं। कमी तो जो है वो कमी को आप पूरा करोगे, इसके बाद क्या क्या प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आप फेरस सल्फेट का हमें और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिलता है। इसके बाद छठा पॉइंट ये है कि फेरस सल्फेट का अधिक उपयोग करने से आपको इसके फसलों में कौन कौन से नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और सातवां पॉइंट ये है कि फेरस सल्फेट का उपयोग करते समय हमें इसे कौन कौन से खादों के साथ कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए कि फेरस सल्फेट एक्चुअल में होता क्या है, तो पौधों को अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जो 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है, जिनमें से कुछ प्राइमरी रहते हैं, कुछ सेकेंडरी रहते हैं और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं। तो जो ये फेरस सल्फेट है, ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व है। आप ये बोलोगे फेरस सल्फेट तो कहीं तक हमें लगता ही नहीं कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें से जो आपको मिलता है एक आयरन को ही फेरस सल्फेट कहा जाता है। मतलब जो आयरन की जो डेफिशिएंसी है, आयरन की जो कमी है, उसको फेरस सल्फेट से ही पूरा किया जा सकता है। तो फेरस सल्फेट ही आप आयरन भी कह सकते हैं कि आयरन सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हम कैसे पूरी करें, या फिर फेरस सल्फेट की कमी को हम किस प्रकार से पूरा करें। तो ये आयरन और फेरस सल्फेट दोनों एक ही चीज़ें हैं। काफ़ी किसान कंफ्यूज होते हैं कि फेरस सल्फेट और आयरन अलग अलग हैं, तो ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी ज़रूरत हमारी फसलों को रहती है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि फेरस सल्फेट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, फेरस सल्फेट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिलता है, दूसरा पाउडर फॉर्म में मिलता है, और तीसरा आपको चिलेटेड फॉर्म में मिलता है। तो जो पहला है, जो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, ये आपकी ज़मीन में बहुत ही धीरे धीरे डाइल्यूट होता है। मतलब आप जैसे ही आप इसको दोगे क्रिस्टल फॉर्म को, जो कि ये आता है 90% में। और सेकेंड आपका जो रहता है वो रहता है पाउडर फॉर्म में, ये आपको मिलता है 6% में मिलता है। वो जो चिलेटेड फॉर्म में जो आपको मिलता है, जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जो सेकेंड जो पाउडर फॉर्म का है, इसको आप ड्रिप इरिगेशन की तरीके से चला सकते हैं। पहला आप इसे फसलों में फेंक सकते हैं, सेकेंड आपको इसे ड्रिप इरिगेशन की तरीके से चला सकते हैं। और जो तीसरा फेरस सल्फेट है, जिसमें आपको 12% मिलता है और चिलेटेड मिलता है। चिलेटेड का मतलब होता है कि ये कोटेड रहता है, आप किसी भी फसलों के साथ या फिर किसी भी पेस्टिसाइड या खाद के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये चिलेटेड है, ये 12% आपको मिलता है, और इसको आपको ज़्यादा स्प्रे में भी नहीं लेना है, लेकिन ये कॉस्टली थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि जो फेरस सल्फेट है, उसमें हम आपको 90% के बारे में बताएंगे। तो 90% जो फेरस सल्फेट होता है, उसमें 90% फेरस सल्फेट होता है, इसके साथ में इसमें 10% सल्फर होता है, और ये ज़मीन में बहुत ही धीरे धीरे डायरेक्ट होता रहता है, और लंबे समय में इसका हमें रिजल्ट मिलता है। एकदम से ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो जो क्रिस्टल फॉर्म है, ये आप सब देख सकते हैं क्रिस्टल फॉर्म किस प्रकार से आता है। इसके बाद हम अगर आगे बात करेंगे कि फेरस सल्फेट की कमी के कारण है, कौन कौन सी ऐसी कमियाँ रहती हैं जिसकी वजह से आपके फसलों में फेरस सल्फेट की कमी हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट है कि पीएच लेवल आपकी मिट्टी का बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी का पीएच लेवल 8 से ऊपर है, तो आपकी मिट्टी में फेरस सल्फेट की कमी बिल्कुल रहेगी। क्योंकि फेरस सल्फेट क्या है, लगभग जब तक आपका पीएच 8 से अंदर रहता है, तब तक पौधे इसको धीरे धीरे उठाते हैं। सबसे बेहतर पीएच रहता है 6.5 से 7 के बीच का जो पीएच है, ये सबसे बेहतर पीएच है, और इसमें आपके पूरे पोषक तत्व पौधे उठा लेगा। लेकिन अगर आपका पीएच इससे ज़्यादा है, तो पोषक तत्व कुछ मात्रा में ही उठाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि अधिक नमी होना, अगर आपकी फसलों में अधिक नमी है, तो फेरस सल्फेट पौधे उठाना कम कर देते हैं। तो आपकी फसलों में अधिक नमी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पानी दे रहे हैं, तो इसमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी फसलों में अधिक नमी नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि आपकी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी जो मिट्टी है बिल्कुल चिकनी है, तो इसमें क्या रहता है, चिकनी मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो गीली मिट्टी रहती है जिसमें नमी बनी रहती है, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि पौधे फेरस सल्फेट को नहीं उठा पाते हैं। इसके बाद
फास्फोरस की अधिक मात्रा, अगर आप फर्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो आपकी जो मिट्टी है उसमें फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, और फास्फोरस की मात्रा अगर बढ़ती है तो आपके जो पौधे हैं ये फेरस सल्फेट उठाना कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पौधे हैं उसमें आयरन की कमी हो जाती है। फेरस सल्फेट की अगर कमी के बारे में बात करें कि इसके लक्षण को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, तो इसके जो कमी के लक्षण हैं बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये है कि आपकी जो फसल है, आपके जो पौधे हैं उनमें जो नई पत्तियाँ आ रही हैं वो धीरे से पीले पड़ेंगी, और पीले पड़ने के बाद ये धीरे धीरे वाइड होने लगेंगी। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो नई वाली पत्तियाँ हैं, बाकी जो सिम्टम्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसमें क्या होता है कि नीचे वाली पत्तियाँ सबसे पहले पीली पड़ती हैं, सूखती हैं, लेकिन फेरस सल्फेट में क्या होता है, आयरन की डिफिशेंसी अगर होती है तो जो पौधा है ऊपर से पीला पड़ता है और जो नई पत्तियां हैं उनको पीला पड़ता है। इसकी वजह से आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और अगर पत्तियां पीली होकर सफ़ेद हो रही हैं तो उसकी ग्रो भी बिल्कुल नहीं होगी, पौधा बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, उसमें ना फूल आएंगे ना फल आएगा, और अगर फल का साइज़ भी रहेगा तो बहुत ही छोटा रहेगा। तो आप इन लक्षणों को देखकर पहचान सकते हो कि आपकी जो ज़मीन है या फिर आपके जो प्लांट्स हैं उसमें फेरस सल्फेट की कमी आ चुकी है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट ये आता है कि इसके उपयोग करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं। तो पहला तो यही कि अगर आप फेरस सल्फेट का उपयोग करते हैं तो आपकी जो कमियां हैं उनको तो आप पूरा कर लोगे, फूल फल अच्छे आएंगे, उसके बाद आपके पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ेगी, इसमें जो क्लोरोफिल है उसकी क्रिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी, ये तो हो ही जाएगा, आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा। लेकिन इसके साथ में आपकी जो फल हैं, जो फ्रूट हैं, इनका साइज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा। इसके बाद में इसकी क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहेगी, साइज़ भी बढ़िया रहेगा और क्वालिटी भी बेहतर रहेगी, ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि इसकी कमी के क्या क्या नुकसान है, मतलब अगर आप इसका अधिक उपयोग करते हैं तो इसकी वजह से हमारी फसलों में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, इसके जो चीज़ इसका हमें फ़ायदा रहता है, अगर हम इसका अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो इसका हमें नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये है कि अगर आप इसका अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि आपकी फसलों में इसका वजन कम हो सकता है, मतलब आप इसका अगर अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी तो बेहतर मिलेगी लेकिन आपका जो वजन है फलों का या फिर आपकी जो सब्जियां हैं या फिर आपकी जो भी अनाज है तो इनमें आपको क्या होगा कि क्वालिटी बेहतर रहेगी लेकिन इसमें आपको जो वजन है उसमें कमी मिलेगी, तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो आपको अधिक मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना है। फेरस सल्फेट के बारे में अगर बात की जाए कि फेरस सल्फेट का हमें प्रति एकड़ के हिसाब से किस प्रकार से उपयोग करना है, तो देखिए अगर आप फेरस सल्फेट 90% वाला ले रहे हैं तो आपको अनाज वर्गीय फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें और दाल वर्गीय फसलें, इन सभी में आप फेरस सल्फेट को 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं, ये सफिशेंट रहता है। इससे अधिक आप इसका उपयोग नहीं करना है, आपको 10 kg प्रति एकड़ आपके लिए सफिशेंट रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फेरस सल्फेट की कौन कौन सी फसलों में कमी देखी जा सकती है। देखिए, फेरस सल्फेट लगभग अब फेरस सल्फेट को 39 ऐसी फसलें हैं जिनमें कि फेरस सल्फेट की कमी को देखा जा सकता है, जैसे कि गेहूं हुआ, चना हुआ, मूंग, उड़द, मक्का, प्याज, मटर, कपास, भिंडी, बाजरा, खीरा, बैंगन, कपास, सेब, गोभी, फूलगोभी, लगभग ये समझ लिए कि इसमें लगभग सभी फसलें आ जाती हैं जिनमें कि फेरस सल्फेट की कमी को देखा गया है। और इससे लगभग 20 से 25% और 30% तक की आपकी फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि फेरस सल्फेट को हम कॉम्बिनेशन में कौन कौन से खादों के साथ, कौन कौन से फर्टिलाइज़र के साथ में ले सकते हैं। अगर आप फेरस सल्फेट का उपयोग नाइट्रेट और सल्फेट वाले जितने भी फर्टिलाइज़र हैं इनके साथ में अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इसका रिजल्ट ना मिले, तो इसलिए आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, इनके साथ में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।